यान टीवी में मैं हूं आपके साथ मोहित गुप्ता। लोकसभा चुनावी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कालकाजी क्षेत्र के विधायक श्री अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी से आज हम लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर खास बातचीत करेंगे। सर, 2019 का जो इलाका चुनाव है उसमें किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे? अब तो दिल्ली सरकार के हमारे जो अपना मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये तय कर दिया कि हमारा जो मुद्दा पूर्ण राज्य का मुद्दा चल रहा है अभी, और पूर्ण राज्य से अपने कामों के ऊपर लेके चल रहे हैं कि पूर्ण राज्य को लेके आएंगे ताकि लोगों के काम करने आसान होंगे। और हमारे अगर MP आते हैं सारे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, मैसेज होगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कहना होगा, जो एक MP का जिम्मेदारी होती है दिल्ली पुलिस को लेकर चलने, तो पूर्ण राज्य का मुद्दा है। सर, क्या लगता है कि तो कितने MP जो 7 सीटें हैं, कितनी सीटें हमारे पास आएंगी? 7-8 सीटें आनी चाहिए, जो दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इनको काम करने में रुकावट आ रही है, तो पूर्ण राज्य है जो, अगर हमारे 7 MP, हमारे को प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है, हमें पूर्ण राज्य से मतलब है। और दिल्ली के अगर MP हमारे आएंगे सारे तो पूर्ण राज्य के लिए बहुत बेहतर होंगे, और पूरा काम जो करना है दिल्ली के लोगों का, जो रुकावटें आती हैं सारे काम आसानी से होंगे। तो पूर्ण राज्य अगर बन जाएगा तो दिल्ली की जनता को क्या क्या फायदा होगा, काम की रफ्तार किस तरह बढ़ेगी, थोड़ा सा समय? काम की जैसे हमारे CCTV कैमरे लगने थे या हमारे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, तो चाहे वो डोर स्टेप की बात थी, तो चाहे अपना यानी हर तरफ के जो काम थे जिनमें रुकावटें लगा रखी थी उन्होंने, तो उन कामों अगर वो काम हमारे पहले हमारे MP होते तो मेरा ख्याल आज वो काम सारे हमारे कंप्लीट हुए होते हैं, जो लोगों को हमने मैनिफेस्टो दिया था CCTV कैमरे का, जो अभी लास्ट में जाके हुआ इन्होंने, जब हमारे CM साहब ने और मिनिस्टरों ने जाके धरना दिया LG के घर पे, अगर वो उस वक्त फाइनल साइन होती तो ये काम हुए होते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो BJP की जो सरकार है उन्होंने हमारे कामों में रुकावट डाली कि अगर ये एक कल की उठी हुई पार्टी आंदोलन से उठ के आई है, अगर ये इतने कार्य कर रही है तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। तो उस चीज़ को मुख्य रखता, क्योंकि इंसान का पता नहीं कब संसार से उठ जाए, तो हमारी सोच ऐसी है कि जीते जी इंसान वो सारे हिंदुस्तान का जो काम करने का तरीका अच्छा हो उसको देखे और उसके काम हो सारे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी अगर इन्होंने रुकावटें डाली BJP ने, और बहुत सारों लोगों का जो सपना ही रह गया इसका कि हमारे देश में अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, तो उससे वंचित रह के वो संसार से भी जा चुके हैं, बड़ा दुखी बात। बात करते हैं कि एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी, अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किया था और उससे पार्टी उठी और केजरीवाल ने पार्टी बनाई, लेकिन आज जब पार्टी बन गई, केजरीवाल जी सत्ता में हैं, अब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं तो उनके साथ में नहीं है? देखो, आंदोलन आंदोलन ये आंदोलन ही है, पूर्ण राज्य का जो, ये इलेक्शन नहीं है, ये आंदोलन है। अगर दिल्ली के लोग 7 MP लेके आएंगे तो ये एक आंदोलन आंदोलन अभी चल रहा है। उनका सर आंदोलन था लोकपाल बिल को लेकर, आज लोकपाल बिल का जब आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, तो वो अकेले हैं। यही तो दिक्कत है कि जब दिल्ली सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोक बिल पास कर दिया, वो सेंटर में जा चुका है, तो वो क्यों नहीं पास कर रहे उसको? अगर ये पूर्ण राज्य होता तो ये बिल हम पास करते। अगर पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं आज हम बार बार, क्योंकि BJP के अपना मदनलाल जी खुराना जिन्हें किया और कांग्रेस वालों ने किया कि हमारा ये अपना पूर्ण राज्य होना चाहिए, अगर ये पूर्ण राज्य होता तो हमारे को सेंटर की सरकार के पास भेजने की जरूरत क्या है? अगर पूर्ण राज्य होता तो आज लोगों के गांव से ये, चाहे वो सुरक्षा का आता, महिला सुरक्षा सुरक्षा की बात आ जाती है, चाहे CCTV कैमरे लगाने की बात आती है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात आती है, तो ये लोगों को फैसिलिटी मिल रही होती है। आज जो लोग इलाज कराने में मुश्किल होती है, जिनको बड़े हॉस्पिटलों में जाकर, अगर मोहल्ला क्लिनिक बने होते तो वो कॉलोनी के अंदर मोहल्ले के अंदर उनका इलाज हो जाता, पहले ही बीमारी पनपने नाम देते वहीं पर इलाज हो जाता उनका। तो ये चीजें इन्होंने रुकावट डाली, ये मानवता के भले की बात करते ही नहीं है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये लोगों के भले के लिए होती है, देश की देश को तरक्की की ओर लेके जानी होती है, तो ये कहाँ है? ये अपना दिल्ली विधानसभा ने ये तय कर दिया कि हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और लोकसभा जो है उसने ये बता दिया है, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे सीलिंग का काम हो, तो लोगों को उनकी अर्थव्यवस्था सब खराब कर दी उन्होंने। तो कहने का भाव ये, अगर तरीके से भी काम करते, अगर इन्होंने सोचा दिल्ली के ऊपर, इनका इनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली में अपना पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं आप, और यहाँ दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, उनके काम जो होने हैं उनमें परेशानी आ रही है। हम तो दिल्ली के, दिल्ली सरकार ने, अगर लोगों ने सरकार चुनी है, CM को चुना है, तो दिल्ली के लोगों के काम होने चाहिए ना, उसमें रुकावटें क्यों? इसलिए पूर्ण राज्य जो लेना बहुत जरूरी हो गया।
एक तरीके से अगर दिल्ली का विकास में पूर्ण राज्य बहुत बड़ा रोड़ा बन के अटका हुआ। अगर सर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में जो गठबंधन था, कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे, कांग्रेस ने तो सिरे से नकार दिया है गठबंधन नहीं करेंगे। क्या अभी भी आम आदमी पार्टी को कोई आस है कि गठबंधन हो सकता है? देखो, ये तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता उनके ऊपर ही बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, राष्ट्रीय नेता ही बात करेंगे इसकी। तो आपने सुना अवतार सिंह कालका जी को, जो कालका जी क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि मतलब किस पूरे अगर विकास है तो कहीं ना कहीं अगर रोड़ा बन के अटका है तो पूर्ण राज्य का मुद्दा, जिसके लिए अभी बीजेपी 2 दिन पहले बीजेपी दफ्तर और कांग्रेस दफ्तर का घेरा भी किया। तो उम्मीद है कि अगर 7ों सीटें लोकसभा की जीतते हैं तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे, और लोकपाल बिल जिसका मुद्दा लेके पार्टी बनी थी, मैदान में उतरी थी, उसको जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल, अपना जो बिल पास किया वो लागू होना चाहिए था। दिल्ली सरकार ने आके दिन अपना आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो कब से बिल पास कर रखा है, इन्होंने क्यों दबा रखा है? तो ये बीजेपी नहीं चाहती, अगर वो बिल पास हो जाता तो इनके जो से बड़े बड़े नेता यहाँ पे हैं उनकी उनके सबके ऊपर भी लागू होता। अगर ACB हमारे पास होती तो आज ये नेता बचते थोड़ा ना। बिल पास करने का मतलब है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, करप्शन पर रोक लगाई जाए, जो जुल्म करता है, जो करप्शन करता है उसको इमीडिएट अपना सजा मिले और उसको बर्खास्त किया जाए। तो ये बिल पास होना चाहिए था, तो इसमें एक बहुत बड़ा सुधार आता। दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो पूरे देश में इसकी तो सर आवाज। भारतीय जनता पार्टी करप्शन पर नकेल कसना नहीं चाहती है? देखो ना, अब बात करते हैं करप्शन खत्म करने की, चाहे वो क्या माल्या क्या नाम उसका, चाहे नीरव मोदी है, तो ये करप्शन क्यों दावा होगा? तो करते हैं मोदी जी की, माल्या को वापस ला रहे हैं, नीरव मोदी का बगला तोड़वा रहे तो हैं। इंग्लैंड वाले, उन्होंने कहा ना कि हमारे को दो, आप पेपर भेजो हमारे को, हम इनको वापस भेजते। नीरव मोदी वहां पे मिला था ना, अभी किसी ने उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, नो कमेंट्स कर रहा था। तो ये सरकारें चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सेंटर की सरकार है, हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, तो इसकी बात सुनी जाती है, पर ये चाहते नहीं है। अगर ये चाहें तो सब कुछ हो सकता है, उनको यहाँ पकड़ के लाया लाया जा सकता है। तो ये करप्शन के मामले तो बीजेपी ने हद कर दी है, चाहे वो रफेल की बात, हम सुनते हैं सारा कुछ, रफेल की बात आ रही है। राफेल की तो फाइल भी चोरी हो जाती है। बिल्कुल, ये सोचते हैं कि लोग दो चार दिन याद करेंगे, बाद में भूल जाते हैं। वैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग जल्दी भूल जाते हैं, पर ये भूलना नहीं चाहिए, और इसको बिल्कुल जब वोट का टाइम आए तो ये उनको एहसास करा देना चाहिए था कि आपने ये जो किया है, कितने करोड़ का, 36,000 करोड़ समथिंग कुछ का कपला हुआ है, जो उनसे ये जहाज है उनसे 650 करोड़ के थे कुछ। राफेल ला रहे हैं, हाँ, राफेल। तो कहने का भाव है जी, इतने इतने बड़े घपले करके, ये करप्शन करके, तो ये लोग बच जाते हैं। ये अगर बिल पास हुआ होता तो मेरा ख्याल है इसमें वो नेता बड़े बड़े, चाहे उसमें CM हो, चाहे वो PM हो, चाहे मंत्री हो, यानी मैं हर उस बिल में आ जाते हैं, तो फिर अपने आप ही उनका उधार होता है कि कैसे इनको देश को आगे आने वाली नस्लें याद करेंगी, ऐसा काम किया। सर अभी पार्टी के द्वारा 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, एक प्रत्याशी शेष है जो स्वास्थ्य कारणों के कारण नहीं अभी घोषित की, कब तक घोषित कर सकते हैं उनका नाम? ये हमारे जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने 6 किए, तो वो एक भी नहीं छोड़े, 7ों सीटें लेनी है। अगर हमारे को पूर्ण राज्य लेना तो हमारी 7ों सीटें चाहिए, आ जाएंगे जल्दी, मैदान में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यानी।